नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। होली के त्योहार के पहले ही रीवा वासियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। आज से रीवा से जबलपुर के लिए चार सूत्र सेवा की ऐसी बसें संचालित हो गए हैं, जिनमें सामान्य किराया लगने के साथ ही कम समय पर जबलपुर पहुंचाएंगी। आगामी दिनों में होली का त्योहार है, ऐसे में बस हो या ट्रेन, सभी जगह यात्रियों की भीड़ उमड़ती है। ऐसे में चार बसें शुरू होने से यात्रियों के लिए राहत की खबर है। आपको बता दें कि 2018 में हुए करार में रीवा जबलपुर, रीवा सतना, रीवा छतरपुर सहित कुल 23 बसें शुरू करनी थी। अभी तक सूत्र सेवा की ये बस रीवा, सतना, जबलपुर चल रही थी और अब आज से जबलपुर के लिए भी बसें शुरू हो गई है। सांसद जनार्दन मिश्रा ने इन बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बस संचालक ने बताया कि ये चारों बसें ऐसी युक्त है जो नॉन स्टॉप जबलपुर तक जाएगी। इनका किराया भी अन्य बसों की तरह सामान्य किराया 370 रुपए रखा गया है। ये बसें करीब 4.5 घंटे में जबलपुर पहुंचेगी। 2018 में हुए करार के अनुसार 23 बसों का संचालन शुरू हो गया है। सूत्र सेवा बसें चलने से लोग काफी खुश हैं। आने वाले समय में और भी बसों का संचालन किया जा सकता है। आज चार बसों का उद्घाटन किया गया है जबलपुर जाने के लिए। ये सूत्र सेवा की बसें हैं और एसी बसें हैं। रीवा से जबलपुर के लिए हमारा 2018 में टेंडर हुआ था, चार बस चलाना था रीवा जबलपुर, उसी में उसमें ले आया हूँ चार बस रीवा से जबलपुर। ये नॉन स्टॉप बसें जाएंगी, 4-4.5 घंटे में जबलपुर पहुँचा देंगी। इसमें यात्रियों को, चूँकि रीवा सतना जो गाड़ियाँ चल रही हैं, रीवा छतरपुर चल रही हैं, उसमें बहुत यात्रियों को अच्छी राहत मिली और बहुत प्रशंसा करते हैं लोग, और उनकी मांग है कि और जल्दी और गाड़ी चढ़ाई जाए। तो अभी उसी क्रम में अभी चार बस रीवा से जबलपुर के लिए आई हैं। अभी तो हमारा टेंडर पूरा हो गया, अब आगे का जो टेंडर होगा उसमें देखेंगे। कितने टोटल गाड़ियाँ चल रही हैं? 23 गाड़ियाँ चल रही हैं, जो 11 फहर में चल रही हैं और 6 रीवा सतना चल रही हैं, 2 रीवा छतरपुर है और 4 रीवा जबलपुर है। एसी का किराया तो ऐसे बहुत है, लेकिन हम लोगों ने सामान्य किराया रखा 350 रुपये, जो सामान्य बसों में लगता है। हेलो, किराया तो ये एसी डीलक्स बसें हैं तो इसमें सामान्य बसों से 75 गुना ज़्यादा किराया लगता है, लेकिन हमने सामान्य किराया रखा जो सामान्य बसों में लगता है। ये 23 बसें हैं रीवा से जबलपुर जाएंगी, जिनमें 4 रीवा से जबलपुर जाएंगी, 6 रीवा से सतना जाएंगी, 2 रीवा छतरपुर, जो 2 रीवा छतरपुर, 11 बसें शहर के अंदर, वो 11 बसें शहर के अंदर चलेंगी। इस तरह से निश्चित रूप से इन बसों से यात्री सुविधा और रेलवे ये किराए की जो कम दूरी, कम टाइम, कम किराया, कम ज़्यादा सुविधा देते हुए जो नॉन स्टॉप गाड़ियाँ चलेंगी, तो वो इससे काफ़ी लाभ मिलेगा लोगों को, यात्रियों को। मेरी शुभकामनाएं हैं। अभी वो चल रहा है यात्री प्रतीक्षालय के यहाँ, एसी वेटिंग हॉल भी बना है। ठीक है, वो फिर आगे चल रहा है।